राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर रेडियो पत्रिका बाल प्रभा। इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं कार्यक्रम जगदीश चंद्र बसु। संध्या का समय था। एक बालक अपने बगीचे में गेंद से खेल रहा था। गेंद उछलकर लताओं में अटक गई। बालक एक लकड़ी से उसे गिराने लगा। तभी उसकी मां ने कहा, बेटा पौधे सो गए हैं, उन्हें मत जगाओ, गेंद सवेरे निकाल लेना। माँ की बात सुनकर बालक सोचने लगा कि अगर पौधे हमारी तरह सोते जागते हैं तो उनमें भी हमारी तरह प्राण होते होंगे। पौधों को पानी देते समय वो सोचता, क्या पौधे पानी और भोजन पाकर प्रसन्न होते हैं? क्या आकाश में उमड़ते बादलों को देखकर उनका मन भी आनंद से नाच उठता है? फूलों को तोड़ लेने पर या आंधी में डालियों के टूटने पर पेड़ पौधों को भी दुख होता होगा। यही बालक जब बड़ा हुआ तब उसने पेड़ पौधों के बारे में कई विचित्र बातों का पता लगाया। उसने खोज की कि पेड़ पौधों के जीवन की बहुत सी बातें हमारे जीवन की ही तरह होती हैं। इस नई खोज से संसार आश्चर्यचकित रह गया। इस बालक का नाम था जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र का जन्म 30 नवंबर 1858 में ढाका जिले के मेमन सिंह नामक स्थान पर हुआ था। बालक जगदीश पहले अपने गांव की पाठशाला में पढ़ने गया। पाठशाला में किसानों और मच्छुओं के बेटे उसके साथी थे। किसानों के बालक खेतीबाड़ी और पौधों के बारे में बातें करते रहते थे। इससे बचपन में ही जगदीश चंद्र की रुचि पेड़ पौधों में हो गई। तेरह वर्ष की उम्र में जगदीश चंद्र को कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहां की पढ़ाई समाप्त कर वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त की। इंग्लैंड में उन्हें कुछ वैज्ञानिकों के साथ कार्य करने का अवसर मिला, जिससे नई नई खोज करने की उनकी इच्छा और भी तीव्र हो उठी।
पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बसु स्वदेश लौट आए। यहां आते ही कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था। जगदीश चंद्र को अंग्रेज अध्यापकों से बहुत कम वेतन दिया गया। इससे उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने कहा, या तो मुझे पूरा वेतन दिया जाए या मैं बिना वेतन के ही काम करूंगा। 3 वर्ष तक वे बिना वेतन कार्य करते रहे। पैसे की तंगी के कारण उनका जीवन काफी कठिनाई से बीत रहा था, पर वे झुके नहीं। अंत में कॉलेज के अधिकारियों को ही झुकना पड़ा। अंग्रेज अध्यापकों के वेतन के बराबर पूरे 3 वर्ष का वेतन उन्हें सम्मान सहित दिया गया। विज्ञान ही बसु का जीवन था। ज्ञान प्राप्त करने की उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि वे इसके लिए हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने को तैयार थे। उन्होंने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया और फिर सदा उसकी ओर बढ़ते गए। धैर्य, साहस और लगन के साथ काम करना ही उनकी सफलता की कुंजी थी। जगदीश चंद्र बसु की पहली वैज्ञानिक खोज बेतार के तार से संकेत भेजने के संबंध में थी। उन्होंने अपने बनाए यंत्रों द्वारा रेडियो तरंगों को ईंटों की मोटी दीवार से गुजारकर दिखाया। ये तरंगें 75 फुट की दूरी तक गईं, जिससे वहां रखी घंटी बज उठी। इस प्रयोग का प्रदर्शन उन्होंने सन 1895 में बंगाल के गवर्नर के सामने किया। धातुओं के विषय में जगदीश चंद्र ने कई खोजें की। उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि निर्जीव धातु भी परिश्रम करने से थक जाती है। जगदीश चंद्र की सबसे अद्भुत खोज पेड़ पौधों के विषय में है। ये तो तुम जानते ही हो कि बचपन से ही वे पेड़ पौधों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्होंने पता लगाया कि पेड़ पौधों में प्राण होते हैं। वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। परंतु लोगों ने उनकी इस बात पर विश्वास नहीं किया। उस समय ऐसे यंत्र नहीं थे जिनसे पेड़ पौधों की भीतरी क्रियाओं को दिखाया जा सके। उन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए स्वयं कुछ यंत्र बनाए। उनमें से एक यंत्र था फस्कोग्राफ, दूसरा यंत्र था रेजोनेंस रिकॉर्डर। फस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि नापने का यंत्र था, जबकि रेजोनेंस रिकॉर्डर से ये ज्ञात हो जाता था कि चोट लगने पर और मरते समय पौधे भी कांपने लगते हैं। डॉक्टर बसु ने पौधों के कष्ट और उनकी मृत्यु के दृश्य पर्दे पर दिखाए। उन्होंने जीवित पौधे में विद्युत की एक हल्की सी लहर दौड़ाई। पर्दे पर पौधे का कांपना
और तड़पना साफ-साफ दिखाई देने लगा। धीरे-धीरे पौधा निर्जीव हो गया। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनकी आश्चर्यजनक खोजों, आविष्कारों तथा प्रयोगों को देखकर यूरोप के लोग उन्हें पूर्व का जादूगर कहने लगे। तुम स्वयं भी प्रयोग द्वारा कुछ बातें जान सकते हो, जैसे छुई मुई का पौधा हाथ लगाते ही मुरझाने लगता है और फिर थोड़ी देर में पहले जैसा हो जाता है। इसी तरह सूरजमुखी का फूल सूर्य की ओर मुख किए रहता है। प्रातः सूर्य के उदय होते समय उसका मुंह पूर्व की ओर रहता है और सारा दिन उधर ही मुड़ता चला जाता है जिधर सूर्य होता है। शाम को सूरजमुखी फूल का मुंह पश्चिम दिशा में होता है। वनस्पति जगत की इन खोजों के कारण डॉक्टर बसु सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपनी महत्वपूर्ण खोजों का प्रदर्शन करने तथा व्याख्यान देने के लिए कई बार इंग्लैंड बुलाया। सोचो, जब डॉक्टर बसु ने वहां के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को अपनी नई खोजों से परिचित कराया होगा, तब भारत का मस्तक कितना ऊंचा हुआ होगा। पेरिस में डॉक्टर बसु का भाषण सुनने वालों में स्वामी विवेकानंद भी थे। जब हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा तो उन्होंने डॉक्टर बसु को गले से लगा लिया और भारत का वीर पुत्र कहकर उनकी प्रशंसा की। डॉक्टर बसु का विचार था कि विज्ञान को सरल भाषा में लिखा जाए। उन्होंने कई बार जन साधारण को बांग्ला भाषा में अपनी खोजों के बारे में बताया। बच्चों की सभाओं में भी उन्होंने भाषण दिए और बड़े रोचक ढंग से उन्हें विज्ञान का परिचय दिया। बीच-बीच में वे हंसी मजाक भी करते जाते, जिससे बच्चों का मनोरंजन भी हो और वे कुछ सीख भी लें। पेड़-पौधों के विषय में डॉक्टर बसु की इन खोजों से जर्मन वैज्ञानिक इतने प्रभावित हुए कि वे उन्हें एक पूरा विश्वविद्यालय सौंपने को तैयार हो गए। परंतु डॉक्टर बसु ने उनसे कहा, मेरा कार्यक्षेत्र भारत ही रहेगा और मैं अपने देश के उसी महाविद्यालय में काम करता रहूंगा जिसमें मैंने उस समय काम करना शुरू किया था जब मुझे कोई जानता भी नहीं था। यह था डॉक्टर बसु का देश प्रेम। प्रेसिडेंसी कॉलेज से अवकाश प्राप्त करने पर उन्होंने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की।
उनकी बड़ी इच्छा थी कि भारतवर्ष में ऐसी अनेक विज्ञान संस्थाएं खुल जाएं जिससे हमारे विद्यार्थियों को विदेश जाने की जरूरत न पड़े। सन 1937 में इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। डॉक्टर बसु की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के लिए संसार उन्हें सदा याद रखेगा। जगदीश चंद्र बसु अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक सत्येंद्र वर्मा और लता पांडे, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार अखिल मित्तल, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।